दर्शकों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काल ब्रह्म खुद ऋषियों के सामने क्यों नहीं आ जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में क्यों आता है, आपकी इस शंका के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में इस रहस्य को विस्तार से बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी संक्षिप्त जानकारी के लिए आपको गीता जी अध्याय 7 का श्लोक 24 व 25 देखना चाहिए। इन श्लोकों में काल ब्रह्म कहता है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात घटिया परम भाव को नहीं जानते। श्लोक 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। दर्शकों, काल ब्रह्म द्वारा ये नियम बनाने का कारण ये है कि इस संसार में जितने भी जीव है उन सबको खाने वाला यही काल ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूँ और इस समय इन सब योद्धाओं को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। दर्शकों, इस बात का प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें दो भगवानों का जिक्र है, एक खाने वाला और एक न खाने वाला। जो खाने वाला भगवान है वो यही काल ब्रह्म है। यही काल ब्रह्म अपना उल्लू सीधा करने के लिए पुरंज में प्रवेश करके दैत्यों का नाश करता है और यही काल ब्रह्म कुरुकुत्स में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करता है तथा उपस्थित ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, जिससे मौजूद ऋषियों को भ्रम हो जाता है कि विष्णु जी ही ये सब कार्य कर रहे हैं, जबकि कुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके खुद काल ब्रह्म गंधर्वों का नाश करता है और इसी प्रकार श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान देता है और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करके करोड़ों योद्धाओं का नाश करवा देता है। दर्शकों, काल ब्रह्म जीवों को क्यों खाता है तथा काल ब्रह्म को अपनी पत्नी दुर्गा को ये वचन क्यों देना पड़ा कि आज के बाद में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई सृष्टि रचना के लिंक पर जाकर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए इस रहस्य को प्रमाण सहित अवश्य देखिएगा।